अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मौलाना मोहम्मद इलियास गुमन हफिज़ाहुल्लाह ताला का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का कीमती जुमला। वो फरमाते हैं कि एक शख्स ने मुझे फ़ोन किया कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी नहीं मानते, खुशी नहीं मनाते और खुश नहीं होते, जश्न नहीं मनाते। तो मौलाना मोहम्मद इलियास गुमन हफ़िज़हुल्लाह ताला ने कहा कि आप इस पर दलील कोई दे सकते हैं? कहा कि हाँ, दलील भी है। कहा कि बताओ। बताया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए मक्का से मदीना तो बच्चे ने अशआर पढ़े अरबी में। आपने सुने होंगे, तलाल बद्र अलैना मिन सनियत अलवदाई वजब शुक्र अलैना मिन दाआ लिल्लाही। तो शेर पढ़े तो मौलाना मोहम्मद इलियास गुमन हफ़िज़हुल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो खुशी बच्चियों वाली है, बड़ों वाली खुशी तो नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि बड़ों वाली खुशी जो है वो ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने हर सोमवार को रोज़ा रखा है, तो आपकी तो ये दलील नहीं बनती। दूसरी बात ये है, ये मुझे बताओ कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बाद सआदत पर ये अशआर बच्चियों ने पढ़े या कि मक्का से मदीना पर अशआर पढ़े? कहा कि जी, मक्का से मदीना आने पर पढ़े। मौलाना मोहम्मद इलियास गुमन हफ़िज़हुल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने मक्का से मदीना आने पे पढ़े, तो क्या आप मदीना से सरगोदा आने पर आप खुशियाँ मनाते हैं, मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मनाते हैं? नहीं, ऐसा तो हमें नहीं। तो मौलाना मोहम्मद इलियास गुमन हफ़िज़हुल्लाह ताला ने फरमाया, एक तो खुशी बच्ची वाली है, आपकी दलील नहीं बनती। दूसरी जो है, आप आमद रसूल पर जो जश्न मना रहे हैं ये तो विलादत पर मना रहे हैं, ना कि मदीना से सरगोदा आने पर, आपकी जो दलील नहीं बनती। वो खामोश हो गया। अल्लाह पाक हमें खुश आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर खुश होना चाहिए और ख़ुशी का इजहार करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे दरमियान आका नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जैसी हस्ती मबऊस फरमाई। तो मौलाना ने फरमाया कि हम खुश तो होते हैं, खुशी मनाते नहीं, क्योंकि खुशी मनाना जो है वो बच्चियों का काम था। हम उस दिन रोज़ा रखते हैं, खुश भी होते हैं, दिल को खुशी होती है कि आका करीम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान मबूस फरमाए गए, जिसकी हसरत जो है अंबिया भी करते गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।